गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास फिफ्थ. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू SST चैप्टर 10 एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन. फर्स्ट यू हैव टू स्टडी वर्ड मीनिंग. वर्ड मीनिंग एनवायरनमेंट द कंडीशन इन विच यू लिव. कंप्राइज कंसिस्ट ऑफ. शील्ड एनीथिंग दैट इज यूज टू प्रोटेक्ट. मास और लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर. इम्प्योर मेकिंग डर्टी. कॉन्टामिनेशन एक्ट ऑफ इम्प्योरिंग. रेस्पिरेशन ब्रीदिंग. थ्रीट वार्निंग. नाजिया फीलिंग ऑफ वोमिट जिसको कि कहते हैं जी मिचलाना. आरिटेशन अनायंस जलन. डिस्पोजल अरेंजमेंट. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट लेसन 10 एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन. एनवायरनमेंट ऑल द थिंग्स अराउंड अस हमारे तरफ जितनी भी वस्तुएं हैं. कंप्राइज अवर इन्वायरमेंट मतलब उससे मिल करके हमारा इन्वायरमेंट बनता है. मतलब हमारे चारों तरफ जितनी भी वस्तुएं जिससे हम घिरे हुए हैं वो हमारा इन्वायरमेंट है. इट कंसिस्ट ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. इन्वायरमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों कंसिस्ट हैं शामिल हैं. इट हैज फोर एलिमेंट. इसके चार एलिमेंट होते हैं. हाइड्रोस्फीयर एटमॉस्फीयर लिथोस्फीयर बायोस्फीयर. मेजर एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट वातावरण के मुख्य जो एलिमेंट्स हैं उसको पढ़ना है. हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस. हाइड्रोस्फीयर पृथ्वी के सरफेस का वह पार्ट है वह भाग है. वी चीज कवर्ड विद वाटर जो कि वाटर से ढका हुआ है. दिस सरफेस इंक्लूड इस सरफेस में क्या क्या इंक्लूड है क्या क्या शामिल है. ऑल द वाटर बॉडीज जितनी भी वाटर बॉडीज हैं फाउंड ऑन द अर्थ पृथ्वी पाई जाने वाली सभी उसमें इंक्लूड हैं. 71% ऑफ द अर्थ सरफेस पृथ्वी के सरफेस का पृथ्वी की सतह का 71% इज कवर्ड विद वाटर पानी से कवर्ड है ढका है. दैट इज वाई यही कारण है द अर्थ इज नोन एज द ब्लू प्लानेट. अर्थ को ब्लू प्लानेट के नाम से भी जानते हैं. लाइफ विदाउट वाटर इज नॉट पॉसिबल ऑन द अर्थ. अर्थ पे पानी के बिना लाइफ जीवन संभव नहीं है. वाटर इज नेसेसरी वाटर आवश्यक है फॉर आवर एग्जिस्टेंस हमारे अस्तित्व के लिए. ऑल प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड अपॉन वाटर जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल हैं पानी पर निर्भर हैं डिपेंड हैं फॉर देयर सर्वाइवल अपने अस्तित्व के लिए. एटमॉस्फियर इज द कलरलेस एंड ऑर्डरलेस लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ. ऑर्डरलेस मीन्स होता है विदाउट स्मेल. एटमॉस्फियर जो होता है कलरलेस बिना रंग वाला एंड बिना गंध वाला लेयर है परत है आप गैसों का दैट सराउंड्स द अर्थ जो कि अर्थ को सराउंड किए हुए है घेरे हुए है. एटमॉस्फियर इज लाइक अ प्रोटेक्टिव शील्ड जो हमारा एटमॉस्फियर है एक प्रोटेक्टिव मतलब सुरक्षा कवच है. विच प्रिवेंट द हार्मफुल रेज जो कि हार्मफुल रेज जो हानिकारक किरणें हैं ऑफ द सन सूर्य की तो उनको रोकता है. फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस मतलब पृथ्वी के सरफेस पे आने से सूर्य की हानिकारक किरणों को रोकता है. एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फियर. एयर जो है एटमॉस्फियर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. द एटमॉस्फियर कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस. एटमॉस्फियर में बहुत से प्रकार की गैसें कंसिस्ट हैं शामिल हैं सच एज नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन इज विटल. विटल मीन्स होता है इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण.
फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन जो है बहुत ही विटल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर इज द आउटर मोस्ट सॉलिड सरफेस। लिथोस्फीयर जो होता है आउटर मोस्ट सबसे बाहरी सॉलिड सरफेस है ऑफ द प्लैनेट, ग्रह का, मेड अप ऑफ रॉक एंड सॉयल, जो कि रॉक और सॉयल से बना हुआ है, चट्टानों से और मिट्टी से बना हुआ है। इट इज आल्सो नोन एज द क्रस्ट, इसको क्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। फॉलोड बाय मेंटल, जिसके बाद मेंटल आता है उसके नीचे, एंड कोर। ऑल द कॉन्टिनेंट्स, आइलैंड, सी बेड एंड ओशन बेड आर इंक्लूडेड इन द लिथोस्फीयर। ये लिथोस्फीयर में क्या है, शामिल है, इंक्लूड हैं। इट सपोर्ट्स, ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सहारा देते हैं। ऑल लैंड एनिमल्स, जितने भी लैंड एनिमल है सबको। ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट के ग्रोथ के लिए, एंड क्रॉप्स, फसलों के ग्रोथ के लिए, एंड ह्यूमन लाइफ एक्टिविटीज, और जो ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन की जो एक्टिविटीज है उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है, सच एज फार्मिंग, माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज। द बायोस्फीयर इंक्लूड्स, बायोस्फीयर जो है इंक्लूड करता है, शामिल करता है दोज पार्ट ऑफ द एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर के उस पार्ट को, दोज पार्ट ऑफ द एटमॉस्फियर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, वेयर लाइफ इज एग्जिस्ट, जहाँ पर कि लाइफ क्या है, अस्तित्व में है, उसी पार्ट को क्या करता है, इंक्लूड करता है, कौन, बायोस्फीयर। द बायोस्फीयर मेक अप अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। बायोस्फीयर क्या करता है, मेकअप बनाता है, तैयार करता है, अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ मास, पृथ्वी के मास का थोड़ा सा पार्ट वो क्या करता है, मेकअप करता है, तो बनाता है, कौन, बायोस्फीयर। इच लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ऑर्गेनिज्म मीन्स जीव, एंड स्पेसिफिक इन्वाइज स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, उसका विशेष वातावरण होता है, इन विच इट एग्जिस्ट, जिसमें कि वह ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट मतलब रहता है, विच इज कॉल्ड इट्स इकोसिस्टम, जिसको कि उस ऑर्गेनिज्म का इकोसिस्टम कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं इकोसिस्टम को। अ हेल्दी इन्वायरमेंट इज वेरी इम्पॉर्टेंट, एक हेल्दी इन्वायरमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर द एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के लिए, ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, सभी जीवित प्राणियों के। ह्यूमन बींग्स यूज द एन्वायरमेंट, ह्यूमन बींग्स, मानव जाति यूज करती है एन्वायरमेंट को फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज, भिन्न भिन्न कार्यों के लिए, एंड वाइल डूइंग सो, और ऐसा करते समय दे पोल्यूटेड, वो क्या करते हैं, इसको पोल्यूट करते हैं, गंदा करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, एंड ईवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या, आर द फैक्टर, ये क्या है, फैक्टर हैं, कारक हैं फॉर पोल्यूशन, प्रदूषण के, पोल्यूशन, प्रदूषण। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द एयर, वाटर, लैंड एंड सॉयल इम्प्योर, मतलब हवा को, पानी को, जमीन को और मिट्टी को इम्प्योर करना, गंदा करना, क्या कहलाता है, पोल्यूशन कहलाता है। बाई एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, मतलब उस में हार्मफुल सब्सटेंस, मतलब हानिकारक तत्वों को मिला करके जो हम गंदगी करते हैं, हवा को, पानी को, जमीन वगैरह को, वो कहते हैं उसको पॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड पॉल्यूशन, इसको कहते हैं पॉल्यूशन, गंदा करने को पॉल्यूशन कहते हैं। पोल्यूटेंट्स, जो पोल्यूटेंट हैं, इज एन सब्सटेंस, पोल्यूटेंट जो होता है, पोल्यूटेंट इज अ सब्सटेंस, पदार्थ होता है, दैट पोल्यूट्स द एनवायरमेंट, जो कि वातावरण को गंदा करता है। अ पोल्यूटर इज ए पर्सन, पोल्यूटर क्या होता है, पर्सन होता है, व्यक्ति होता है, और फैक्टर या तो कारक, दैट पोल्यूट्स, जो गंदा करता है द एनवायरमेंट, वातावरण को।
टाइप ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन के प्रकार, फर्स्ट है एयर पोल्यूशन, द कॉन्टामिनेशन ऑफ एयर बाय टॉक्सिक गैसेस इमिट्स बाय व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, फायर क्रैकर्स एटसेट्रा इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। द कॉन्टामिनेशन, कॉन्टामिनेशन मीन्स होता है गंदा होना, द कॉन्टामिनेशन ऑफ एयर मतलब हवा का गंदा होना बाय टॉक्सिक गैसेस जहरीली गैसों के द्वारा, इमाइटेड बाय व्हीकल्स जो कैसे निकलती हैं व्हीकल्स के द्वारा, फैक्ट्रीज के द्वारा, फायर क्रैकर्स के द्वारा इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन, उसको बोलते हैं एयर पोल्यूशन। देयर इज वेरियस फैक्टर्स, कह रहा है कि बहुत से फैक्टर्स हैं, बहुत से कारक हैं दैट कंट्रीब्यूट्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं, सहयोग करते हैं टू एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन में, लाइक बर्निंग ऑफ फूड जैसे लकड़ी का जलना, कोयले का जलना, इन ड्राई लीव्स सूखी पत्तियों का जलना, डिफॉरेस्टेशन जंगलों की कटाई, जर्म्स एंड रिलीज ऑफ टॉक्सिक गैसेस जहरीली गैसों का निकलना, रिलीज मतलब मुक्त होना, फ्रॉम अनक्लीन ड्रेन जो गंदी नालियां हैं उसको बोलते हैं अनक्लीन ड्रेन्स, एंड अनकवर्ड गार्बेज जो गार्बेज है कूड़ा करकट है जिसको कि खुला छोड़ दिया गया है, अनकवर्ड गार्बेज डंप्ड, ये सब क्या हैं फैक्टर्स हैं एयर पोल्यूशन के। इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन का इफेक्ट क्या होता है, प्रभाव क्या होता है, फैक्ट्रीज रिलीज अ नंबर ऑफ गैसेस, फैक्ट्रियां जो हैं बहुत सी गैसें रिलीज करती हैं तो उत्सर्जित करती हैं, विच आर हार्मफुल जो कि हार्मफुल होता है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है छपने में, यहाँ पर होना चाहिए टू, हार्मफुल टू रेस्पिरेशन फॉर ह्यूमन बीइंग जो कि हार्मफुल है रेस्पिरेशन के लिए, श्वसन के लिए, फॉर ह्यूमन बीइंग मानव जाति के लिए, प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स और एनिमल दोनों के लिए क्या है घातक है। वेहिक्यूलर पोल्यूशन जो गाड़ियों का प्रदूषण है उसको बोलते हैं वेहिक्यूलर पोल्यूशन, इज अ मेजर थ्रेट बहुत बड़ी क्या है चेतावनी है टू द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को वातावरण को, द हार्मफुल गैसेस रिलीज्ड बाय व्हीकल्स जो कि व्हीकल्स से निकलती हैं रिलीज होती हैं, काज काज मतलब उत्पन्न करती हैं पैदा करती हैं, कफ नौजिया कफ खांसी, नाजिया जी मिचलाना, आयरिटेशन इन आईज आँखों में जलन होता है उसको बोलते हैं एक्सेट्रा। वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ एनी मटेरियल, वाटर पोल्यूशन क्या होता है प्रेजेंस में उपस्थिति होती है ऑफ एनी मटेरियल कोई भी मटेरियल की इन वाटर पानी में, दैट इज हार्मफुल जो क्या होता है हार्मफुल होता है फॉर प्लांट एंड एनिमल प्लांट के लिए और एनिमल के लिए नुकसानदायक होता है पानी में जो भी चीज़ होता है उसको बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। वेरियस टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स भिन्न भिन्न प्रकार के पोल्यूटेंट्स, एंटर एंटर मीन्स प्रवेश करते हैं वाटर पानी में, एंड काज काज मीन्स उत्पन्न करते हैं पैदा करते हैं वाटर पोल्यूशन। डिस्पोजल, डिस्पोजल मीन्स होता है मैनेजमेंट, डिस्पोजल ऑफ सीवेज, सीवेज मीन्स जो गंदे नाले होते हैं गांवों के शहरों के उसको बोलते हैं सीवेज। डेड एनिमल्स जो डेड एनिमल्स हैं मरे हुए जानवर हैं, इंडस्ट्रीज वेस्ट या तो जो औद्योगिक कारखाने हैं उसका जो वेस्ट निकलता है उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट। वेस्ट मटेरियल्स या तो अन्य जो दूसरे वेस्ट मटेरियल हैं वो, वाथिंग एंड वाशिंग क्लोथ ना स्नान करना और कपड़े धोना इन द रिवर्स नदियों में आर द मेजर रीजन, ये सब क्या है मेजर रीजन है मुख्य कारण है फॉर वाटर पोल्यूशन, वाटर के पोल्यूशन के लिए। इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर कॉजेज डिजीज, गंदा पानी पीने से कुछ बीमारियां होती हैं लाइक कॉलरा जॉन्डिस एटसेट्रा, जॉन्डिस पीलिया जो बोलते हैं पीलिया कॉलरा हैजा। पोल्यूटेड वाटर कॉजेज ग्रेट हार्म, जो गंदा पानी होता है बहुत ही नुकसान करता है टू एक्वेटिक प्लांट जलीय पौधों को एंड एनिमल्स और जो जल में रहने वाले जानवर हैं उनको।
पिक द करेक्ट ऑप्शन. द लाइफ विदाउट वाटर इज पॉसिबल ऑन द अर्थ. रंग है. ऑक्सीजन इज विटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. ये ट्रू है. द मेंटल इज द अपर लेयर ऑफ द अर्थ. ये फॉल्स है. ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर कैन काज मेनी डिजीज. ये ट्रू है. नॉइज पोल्यूशन ध्वनि प्रदूषण. द प्रेजेंस ऑफ लाउड नॉइज एंड साउंड इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन. इट इज वेरी हार्मफुल. ये बहुत ही हार्मफुल है फॉर ह्यूमन बींग एज वेल एज एनिमल्स. द काजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन. नॉइज पोल्यूशन के जो कारण हैं आर ब्लारिंग म्यूजिक सिस्टम. ब्लारिंग मीन्स लाउड एंड अनप्लीजेंट म्यूजिक सिस्टम. लाउड स्पीकर कार एंड बस हॉर्नस मशीन्स इन फैक्ट्रीज एंड टीवी. ये सब क्या हैं नॉइज पोल्यूशन के कारण हैं. इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव. इट काजेज हियरिंग लॉस. इससे सुनने की क्षमता है वो क्या होती है कम होती है. स्लीप डिस्टर्बेंसेस अनिद्रा जैसी बीमारी होती है. इंक्रीज्ड हार्ट बीट हृदय की धड़कन बढ़ जाती है इंक्रीज होती है. इट मे आल्सो लीड टू डीपनेस. इससे बारापन भी होता है. सॉयल पोल्यूशन इज कॉज्ड व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस आर रिलीज्ड द सॉयल. जब हार्मफुल सब्सटेंस हानिकारक पदार्थ जमीन में या तो मिट्टी में रिलीज हो जाएंगे तो सॉयल पोल्यूशन होता है. इट हैम्पर्स मतलब किसी को दबा देना. द ग्रोथ ऑफ प्लांट पौधों के ग्रोथ को क्या करता है ये दबा देता है. एंड इफेक्ट्स एनिमल और एनिमल को भी क्या करता है प्रभावित करता है. द मेन काजेज ऑफ सॉयल पोल्यूशन जो सॉयल पोल्यूशन के मेन काजेज हैं कारण हैं यार ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स जो होते हैं जो खादें होती हैं केमिकल की खादें उनका अधिक से अधिक प्रयोग. फर्टिलाइजर्स केमिकल्स या तो अन्य जो केमिकल्स हम लोग डालते हैं खेतों में इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स वगैरह ये सब. डंपिंग ऑफ पॉलीथीन बैग या तो पॉलीथीन का बैग जो प्लास्टिक का बैग हम लोग मिट्टी में फेंकते हैं ज़मीन पर वो भी क्या करता है सॉयल को पोल्यूट करता है. प्लास्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट्स इन द सॉयल या तो इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होते हैं वो भी सॉयल में हम लोग क्या करते हैं फेंकते हैं डालते हैं उससे भी सॉयल क्या होती है पोल्यूट होती है. इफेक्ट ऑफ सॉयल पोल्यूशन. पोल्यूशन मेक्स द सॉयल इनफर्टाइल. पोल्यूशन जो होता है सॉयल को इनफर्टाइल अनप्रोडक्टिव कर देता है मतलब उसमें कुछ पैदा नहीं होगा. इट हार्म्स द बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो सॉयल पोल्यूशन होता है तो मिट्टी के अंदर बहुत से लाभदायक ऑर्गेनिज्म होते हैं छोटे छोटे जीव होते हैं उसको क्या करता है ये नष्ट कर देता है मार देता है. तो ये लिखा है ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉयल. इट मे लीड टू सॉयल इरोजन. ये सॉयल इरोजन को भी क्या करता है बढ़ावा देता है कौन जो सॉयल पॉल्यूशन होता है ये. कॉन्टामिनेशन ऑफ द सॉयल मतलब मिट्टी का गंदा होना. काजेज मैनी हेल्थ प्रॉब्लम बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को उत्पन्न करता है. स्टेप्स टू सेव द एनवायरनमेंट. वातावरण को बचाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए. फर्स्ट इंडस्ट्रीज शुड टेक स्टेप. पहले जो इंडस्ट्रीज हैं औद्योगिक कारखाने उनको क्या करना चाहिए शुड टेक स्टेप टू डिटॉक्सिफाई. डिटॉक्सिफाई मीन्स होता है टू रिमूव पॉइजनस सब्सटेंस फ्रॉम समथिंग मतलब किसी भी चीज़ से जहरीले तत्व को निकालना डिटॉक्सिफाई कहलाता है. तो फैक्ट्रियों को क्या करना चाहिए डिटॉक्सिफाई करना चाहिए द वेस्ट मटेरियल जो भी वेस्ट मटेरियल होता है बिफोर दे आर डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडीज मतलब वाटर बॉडीज में छोड़ने से पहले फैक्ट्रियों को अपने यहाँ जो भी वेस्ट्स हैं उसको डिटॉक्सिफाई करना चाहिए. बर्निंग ऑफ वेस्ट्स शुड बी बैंड. जो वेस्ट को जलाया जाता है तो उसको बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए.
इंस्टीड ऑफ कटिंग ट्री, पेड़ों के काटे जाने के बजाय, इंस्टीड ऑफ कटिंग ट्रीज, एवरीबडी शुड मेक एन एफर्ट, सबको एक प्रयास करना चाहिए, टू प्लांट मोर ट्री, मतलब अधिक से अधिक पेड़ों को लगाने का, टू मेक अवर एनवायरनमेंट पॉल्यूशन फ्री, मतलब अपने वातावरण को पॉल्यूशन फ्री करने के लिए। ड्राइवर्स शुड लिमिट द यूज ऑफ हॉर्न एज मच एज पॉसिबल, ड्राइवर्स को भी हॉर्न का यूज करना कम करना चाहिए जब जितना पॉसिबल हो सके। पीपल शुड रिफ्रेन, लोगों को बचना चाहिए फ्रॉम यूजिंग लाउड स्पीकर के प्रयोग से। अ हेल्दी एनवायरनमेंट इज नेसेसरी, हेल्दी वातावरण क्या है, नेसेसरी है, आवश्यक है फॉर ऑल लिविंग बींग, जितने भी जीवित प्राणी हैं उनके लिए। वी डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट, हम क्या हैं, निर्भर हैं एनवायरनमेंट पे, वातावरण पे, फॉर आवर एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व के लिए। देयरफॉर इसलिए, इट इज़ आवर रिस्पांसिबिलिटी, हमारी ये रिस्पांसिबिलिटी है, हमारा ये कर्तव्य है टू टेक नेसेसरी स्टेप, कि क्या करें, हम आवश्यक कदम उठाएं एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट को क्या करें, प्रोटेक्ट करें, बचाएं फ्रॉम पोल्यूशन, प्रदूषण से। टिक द करेक्ट आंसर, द अर्थ इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर। सेकेंड है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज क्रस्ट। थर्ड है, द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। एयर पॉल्यूशन कॉजेज डिजीज लाइक अस्थमा। फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट है एनवायरनमेंट हैज, फोर भरेंगे, फोर एलिमेंट्स। सेकेंड में भरेंगे एयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। थर्ड भरेंगे, थर्ड में कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेड आर इंक्लूडेड इनटू लिथोस्फीयर, LITHOSPHEERE, लिथोस्फीयर। फोर्थ में भरेंगे पोलूटेंट्स, POLLU। TANT पोलूटेंट, यहाँ भरेंगे पोलूटेंट, इज अ सब्सटेंस दैट पोल्यूट्स द एनवायरनमेंट। मैच द कॉलम, हाइड्रोस्फीयर द स्फीयर ऑफ वाटर, बायोस्फीयर वेयर लाइफ एग्जिस्ट्स, एयर पॉल्यूशन बर्निंग ऑफ फूड, एटमॉस्फेयर इनवेलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताने जा रहा हूँ, जो कि आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। आंसर द फॉलोइंग, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, ए है पोल्यूशन, बी है पोल्यूटर, सी है लिथोस्फीयर, डी है एटमॉस्फेयर, ई है हाइड्रोस्फीयर। पोल्यूशन, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एयर वाटर लैंड एंड सॉयल मेकिंग इम्प्योर बाय एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, इट इज कॉल्ड पोल्यूशन। पोल्यूटर, अ पोल्यूटर इज ए पर्सन आर ए फैक्टर दैट पोल्यूट द एनवायरनमेंट। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर इज अ आउटर मोस्ट सॉलिड सरफेस ऑफ द प्लैनेट मेड अप ऑफ रॉक एंड सॉइल। इट इज आल्सो नोन एज द क्रस्ट फॉलोड बाय मेंटल एंड द कोर। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर इज द कलरलेस एंड ओडरलेस
layer of gases that surrounds the earth. Hydrosphere is that part of the earth which is covered with water. जो कि पानी से क्या होता है, कवर्ड होता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई इज द अर्थ इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट. आंसर होगा 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, दैट इज व्हाई द अर्थ इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट. अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर. हेडिंग डालेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोस्फीयर. आंसर में इसका, लाइफ विदाउट वाटर इज नॉट पॉसिबल ऑन द अर्थ, वाटर इज नेसेसरी फॉर आवर एग्जिस्टेंस, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड अपॉन वाटर फॉर देयर सर्वाइवल. इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोस्फीयर, अ हेल्दी एनवायरमेंट इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल लिविंग बींग्स. ह्यूमन बींग्स यूज द environment for different activities and while doing so they pollute it. Distinguish between atmosphere and lithosphere. Atmosphere is a colorless and odorless layer of gases that surrounds the earth. Lithosphere is a outermost solid surface of the earth made up of rock and soil. What are the effects of water, soil and air pollution? Answer, effect of water pollution, drinking polluted water causes disease like cholera, jaundice, etc. Polluted water causes great harm to aquatic plants and animals. Effects of soil pollution, it may lead to soil erosion, contamination of the soil, cause causes many health problems. Effects of air pollution, factories release a number of gases which are harmful. यहाँ पे टू होगा, harmful to respiration for human being, plants and animals. Pollution also cause asthma, skin allergies, infections, etc. Write a short note on noise pollution. आंसर होगा, द प्रेजेंस ऑफ लाउड नॉइज एंड साउंड इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन. इट इज वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग एज वेल एज एनिमल्स. अगला क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप कैन बी टेकन टू सेव आवर एनवायरनमेंट. Steps to save the environment. Burning of wastes should be banned. Drivers को limit बनाना चाहिए.
should limit the use of horn as much as possible. People should refrain from using loudspeaker.